guys, welcome and welcome back to my channel. I am all ready to head out. Let me quickly show you guys my outfit of the day. I am taking these sunnies or the same hat aur main ye bahut hi cute si earrings pehen rahi hu aaj pink color ki which I ordered from Amazon and my Urbanic orange shirt. Then I have this tank top from H&M. These boxer shorts are from again Urbanic and ye mere HRX ke shoes. So here is my full OTT. Aaj main fir se city tour mein nikal rahi hu. Yahan pe kuch aur touristic places hai jinko main kal nahi visit kar payi thi, to wahan main aaj jaungi. I'm gonna quickly book my ride now. Okay guys, main yahan pahunch gayi hu park mein. Mujhe hardly 6-7 minutes lage. So mere piche aap dekh sakte ho, ye yahan se park ki entrance hai. To ab andar chalte hain, let's see. पार्क है ये, इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बट देन इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी है और फ्लावर्स वगैरह हैं एंड फाउंटेन, वाटर फाउंटेन है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ वेरी वेरी क्यूट. और इस पार्क का जो नाम है ताउडन पार्क है. अब वियतनामीज में कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, बट देन द स्पेलिंग इज TAODAN पार्क. सो या थोड़ा बहुत फोटो शूट भी किया. आई क्लिक सम पिक्चर्स एंड आई मेड सम वीडियोस. नाउ लेट्स गो एंड एक्सप्लोर अदर थिंग्स अराउंड हियर. एक ये रियल टेंपल है. वियतनाम में मोस्टली बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पे सारे बुद्धिस्ट टेंपल वगैरह ही मिलते हैं. ये इनके गॉड है. अंदर से ये ऐसा है टेंपल, देख सकते हो. यहाँ पे ऐसे जाना अलाउड है या नहीं आई डोंट नो, बट आई प्रे फ्रॉम हियर ओनली. और गाइस, मुझे वियतनाम में गांधी जी मिल गए. हाउ अमेजिंग इज दिस. हेलो गांधी जी, वाओ दिस इज नाइस. और गांधी जी का ही ये यहाँ पे मेमोरियल सबसे अच्छा बना हुआ है. यहाँ पे और भी बहुत सारे स्कल्पचर वगैरह हैं, बहुत से लोगों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं जिनको आई डोंट नो, बट सबकी ऐसे ही बनी हुई है. गांधी जी का यहाँ पे प्रॉपर मेमोरियल टाइप का है. सो मैं इस पूरे पार्क के चक्कर लगा चुकी हूँ. आई एम काइंड ऑफ टायर्ड नाउ और मैं थोड़ी देर यहाँ पे आराम करूँगी. उसके बाद मैं दूसरे पार्क जाऊँगी जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छा है.
तो जब तक मैं यहाँ पे बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने अपनी हैट उतार ली है और पसीने की वजह से मेरे बाल पूरे चंपू से हो गए हैं। थैंकफुली मैं ये हेयर बैंड लगा के आई थी, इट्स वेरी क्यूट, मैचिंग विद माई बॉक्सर शॉर्ट्स एंड ऑलमोस्ट विद माई ईयररिंग्स। अचानक से यहाँ पे बारिश होने लगी है, जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहाँ पे तो बारिश आ नहीं रही है, बट देन आई थिंक आई शुड प्रॉब्ली गो एंड फाइंड द प्लेस विद द शेड। ज़्यादा बारिश हो रही थी और अचानक से वेरी सनी नाउ। सो माय राइड इज नाउ, अब मैं जा रही हूँ दूसरे पार्क की तरफ जो कि इससे भी अच्छा है, और मैं जिस अपार्टमेंट में रह रही हूँ उसकी जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने मुझे सजेस्ट किया था। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। पे पहुंच गई हूँ, एक्चुअली यहीं से एंट्रेंस है, स्कूटी है उसने मुझे मेन एंट्रेंस पे छोड़ दिया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉक करके आगे जाऊँगी। एक्चुअली यहाँ पे पूरे कैफ़े वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह हैं, उस लड़की ने मुझे बताया था, एंड दिस इज़ द वेरी फेमस टूरिस्टिक स्पॉट। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं पहले इस पार्क को घूम लेती हूँ पूरा, उसके बाद मैं यहाँ पे आराम से बैठ के कुछ खाऊंगी पीऊंगी। और मैं आज अपना वाटर बॉटल लाना भी भूल गई, आई ऑलवेज़ कैरी अ वाटर बॉटल बट देन मैं आज भूल गई हूँ, तो मुझे प्यास लग रही है, बट आई थिंक एक कोकोनट वाटर मैं यहाँ से ले लेती हूँ फ़िलहाल के लिए, बाकी मैं खाऊंगी बाद में। गाइस ये बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर के ऊपर जो है ये शैक बने हुए हैं जो कि रेस्टोरेंट्स हैं आई थिंक। अंदर इज सम सॉर्ट ऑफ फ्रूट, आई डोंट नो व्हाट इट इज, पता नहीं कुछ कह रही हैं वो लोग, जैक फ्रूट तो नहीं लग रहा, ये पता नहीं क्या है। बहुत सारे लगे हुए हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पता नहीं क्या बना रखा है इन्होंने, ये कलरफुल पर्दे वगैरह डाल के। ये जो जगह है बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ पे बहुत क्यूट डेकोरेशन कर रखे हैं और इस आसपास इधर उधर पूरे शैक्स हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और पता नहीं कुछ फ्रूट भी है यहाँ पे, एंड लोग ज़्यादा नहीं हैं यहाँ पे फ़िलहाल तो। या ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो उन लोगों ने यहाँ पे पहन रखी हैं। पे कोई इवनिंग में कल्चरल शो होता होगा जिसके लिए ये लोग सारे तैयार हो रखे हैं, ये सब लोग तैयार हो रखे हैं। ये यहाँ पे एक पुल बना हुआ है वाटर के बीच में, सामने मेट्रो स्टेशन भी है और यहाँ पे बहुत टॉलेस्ट बिल्डिंग्स भी हैं आप देख सकते हैं। माय गॉड वेदर इज सो नाइस, बहुत ही
they had pizzas and all, but then that was all seafood pizza and all. So I don't really want that. So मैं अभी यहाँ पे एक ये fruit counter पे आई हूँ. So let's see what I find here. I'm gonna go and ask them. मैंने उस फ्रूट कॉर्नर से ये मैंगो एंड ऑरेंज का शेक लिया और इन्होंने पूरा मुझे पैक करके दे दिया था. मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रही थी तो पूरा मेरे ऊपर ही स्पिल हो गया. तो आई एम लिटरली वेरी पिस्ड राइट नाउ. पास में मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा जहाँ पे ये बर्गर किंग जैसा कुछ है, तो अभी मैं वहाँ पर बैठी हूँ. एंड मैंने एक स्पैगेटी पास्ता मंगाया है विथ टमेटो सॉस एंड सम फ्रेंच फ्राइज. सो ये मैंने ऑर्डर किया था, दिस इज टमेटो सॉस पास्ता एंड सम फ्राइज. आई थिंक पेरी पेरी काइंड ऑफ मसाला बन रहा है. थक चुकी हूँ तो आई एम गोना क्विकली गेट चेंज्ड और मैं हाथ मुंह धो के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी. और मेरे को बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, पता नहीं क्यों. और आज का दिन जो था बहुत ही मस्त मज़ेदार था. और जिस जिस लोकेशन में मैं आज गई, दोज लोकेशंस वॉज सो अमेजिंग. सो गाइज, आज के लिए इतना ही. और आई होप दैट आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो. अगर आया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो.
so that I get motivated to post more such videos. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.